वेलकम स्टूडेंट्स, अकाउंटेंसी में आज हम स्टार्ट करेंगे कैश बुक। अब देखिए कैश बुक में क्या है कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनके पास डेली की काफ़ी ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो भी कैश की ट्रांजैक्शंस हैं उनको डायरेक्ट कैश बुक में नोट कर देते हैं और बाकी ट्रांजैक्शंस के लिए सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं। तो कैश बुक में क्या है, हम फॉर्मेट बनाएंगे कैश बुक का, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट, क्रेडिट। अब देखिए इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द सिंपल कैश बुक ऑफ अमर। अब देखिए 2020 जनवरी 1st, कमंस बिजनेस विद कैश। अब देखिए बिजनेस में कैश आया तो जो भी ट्रांजैक्शंस जिसमें कैश बिजनेस में आ रहा है उनको डेबिट साइड में दिखाएंगे और जिनमें कैश जा रहा है बिजनेस से उनको किस में दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो यहां लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट लिखेंगे 25,000। इसके बाद देखिए जनवरी 3rd को है बोर्ड गुड्स फॉर कैश, 10,000 का माल खरीदा तो कैश गया, तो इधर दिखाएंगे बाई परचेज अकाउंट 10,000, ठीक है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अब देखिए माल बेचा तो कैश आया तो टू सेल्स अकाउंट 11,000। पेड कैश टू राम, राम को कैश की पेमेंट की है तो कैश बिजनेस से गया तो बाई राम कितना कैश गया है 8,000। बोट मशीनरी, कैश गया बाई मशीनरी अकाउंट 9,000। पेड कैरेज चार्ज फॉर ब्रिंगिंग मशीन, मशीन को खरीदने का कैरेज चार्ज दिया है, कैश गया बाई मशीनरी। कोई भी एसेस्ट परचेज करते समय अगर कोई एक्सपेंसेस है तो उसको एसेस्ट में ही शो किया जाता है 200 रुपीज। पेड वेजिज बाई वेजिज, कैश गया 2,000 रुपए। इसके बाद गुड्स सोल्ड टू मोहन फॉर कैश, मोहन को नगद माल बेचा है तो कैश आया टू सेल्स अकाउंट 7,500। विड्रीव कैश फॉर पर्सनल यूज, बिजनेस से कैश गया बाई ड्रॉइंग, क्योंकि पर्सनल यूज को हम क्या लिखते हैं, ड्रॉइंग लिखते हैं, तो बाई ड्रॉइंग हम लिखेंगे 2,500। 19 तारीख को बाई रेंट दिया हुआ है, रेंट की पेमेंट की है बाई रेंट अकाउंट 2,000। 23 तारीख को बोर्ड गुड्स फ्रॉम राम, अब देखिए राम से माल खरीदा है तो उधार है, ये उधार की ट्रांजैक्शंस कैश बुक में नहीं होगी। पेड इंटरेस्ट 25 तारीख को बाई इंटरेस्ट अकाउंट 1,500 लिखेंगे यहां पे। इसके बाद पेड टू राम बाई राम 2,800। रिसीव्ड कमीशन, कैश आया 30th को टू कमीशन 1,300।
sold goods to Raman 5000 of which he gave 2000 on spot. 2000 उसी समय दे दिए हैं 31st को टू सेल्स अकाउंट 2000 रुपीज. ठीक है, अब देखिए हम टोटल करेंगे तो यहां टोटल करेंगे इसका 800, 36, 43, 44, 46,800 यहां लिखेंगे इसी के बराबर में 46,800. ये टोटल यहां करेंगे 2, 7 और 13, 20, 2, 12, 20, 29, 31, 35, 36, 38. अब देखो डिफरेंस बच गया 8,800 का डिफरेंस बच गया. लास्ट डेट ऑफ द मंथ बाई बैलेंस सीडी निकालेंगे. ये लास्ट डेट को है और अगली फर्स्ट फरवरी को हम क्या करेंगे कैरी डाउन करेंगे टू बैलेंस बीडी 8,800 रुपये. इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप शो करेंगे. अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड कैश बुक. डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट क्रेडिट और डेबिट. तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में 2019 अक्टूबर फर्स्ट 2019 अक्टूबर कैश इन हैंड. अब देखिए कैश इन हैंड को यहां लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 13,000. गुड सोल्ड फॉर कैश प्लस CGST एंड SGST एट रेट ऑफ 6% ईच. अब देखिए टू सेल्स अकाउंट 9,000 रुपए का माल सेल्स किया है. अब इसके साथ टू आउटपुट सेल्स के साथ आउटपुट यूज होता है CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट 6% 6% 540 रुपये 540 रुपये 9,000 का 6% निकालेंगे. ठीक है, इसके बाद 5 तारीख को दिया हुआ है 5 अक्टूबर को बोर्ड गुड्स फॉर कैश 6,000 बाई परचेज अकाउंट 6,000. ठीक है, अब परचेज के साथ इनपुट वर्ड यूज होगा तो इनपुट CGST अकाउंट बाई इनपुट SGST अकाउंट 6% दिया हुआ है तो देखिए 360 रुपये 360 रुपये. इसके बाद पेड सैलरी कैश गया बाई सैलरी अकाउंट 3,000. इसके बाद कैश डिपॉजिट इनटू बैंक. बैंक में कैश जमा कराया तो हमारी कैश बुक से कैश गया तो 11 तारीख को यहां लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट 5,000. ठीक है, इसके बाद 13 तारीख को बोट ऑफिस फर्नीचर खरीदा है तो यहां लिखेंगे बाई ऑफिस फर्नीचर 4,000 बाई इनपुट CGST अकाउंट बाई इनपुट SGST अकाउंट 6%
6% दिया हुआ है, 240 रुपये। इसके बाद 15 तारीख को देखिए कैश सेल्स दिया हुआ है, टू सेल्स अकाउंट, 12,000 रुपये का माल बेचा है। तो देखिए 12,000 रुपये में आपने 20,000 रुपये का माल बेचा है टोटल, जिसमें से 12,000 बैंक में जमा कराए हैं 16 को, तो यहाँ लिखेंगे 20,000 रुपये। टू आउटपुट CGST अकाउंट 6%, टू आउटपुट SGST अकाउंट 6%, 1200। इसके बाद 16 तारीख को बैंक में जमा करा दिए हमने 12,000 रुपये, तो बिजनेस से कैश गया, तो 16 तारीख को लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट 12,000 रुपये। इसके बाद 19 तारीख को बोर्ड गुड्स फ्रॉम सोहन, उधार खरीदा है सोहन से, तो इसकी ट्रांजैक्शंस नहीं होगी। 21 तारीख को विड्रीव कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से कैश निकाला है 21 तारीख को, तो टू बैंक अकाउंट 2500। इसके बाद 23 तारीख को पेड सोहन इन फुल सेटलमेंट, देखिए 23 तारीख को बाई सोहन को पेमेंट किया है 5400 रुपये, हम यहां लिख देंगे 5400 रुपये। पेड अमित बाई चेक। अब देखिए ऊपर अमित को हमने क्या किया था, अमित से माल को बाई अमित, लेकिन चेक से है तो इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। 27 तारीख को पेड कैरेज, अब 27 तारीख को लिखेंगे बाई कैरेज 500 रुपये, बाई रेंट 800 रुपये। अब जो रेंट है उस पे आपने CGST और SGST दिया है, तो बाई इनपुट CGST अकाउंट, बाई इनपुट SGST अकाउंट 6%। अब 6% आपका 48 रुपये हो जाएगा। इसके बाद देखिए बाई ड्रॉइंग, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट है, बाई ड्रॉइंग 600 रुपये। इसके बाद पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, 31 तारीख को बाई इलेक्ट्रिसिटी 1100 रुपये, बाई वाटर चार्ज 800 रुपये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो देखिए जीरो, आठ, पाँच और पाँच 10, और 9 19, 1 14, 23, 43, 44, 45, 47, 47,980। ठीक है, यहाँ टोटल करेंगे 8, 8, 16, 1, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। तो देखिए 4, 8, 5, 7, ये हो जाएगा बाई बैलेंस कैरी डाउन 31 को, और अक्टूबर के बाद नवंबर टू बैलेंस BD, आपका जो बैलेंस आएगा सेवन फोर एट फोर।